मरिया तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो? वो शख्स ऐसा क्या कर गया जो अम्मी की ये हालत हो गई है? वो पैसों का तकाजा करके ही है, इसी वजह से तो अम्मी परेशान है। तो फिर क्या सोचा है तुमने, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं सोचा। चौधरी अंकल से बात की है, वो नियाज अंकल को समझाएंगे, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और अगर नहीं निकला तो? तुम्हें तुम सब को जहर देके अपने आप को भी मौत के गले लगा। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो क्या करूं, क्यों ना कहूं? मैं कैसे ये सब कुछ किसी और के हवाले कर दूं? कैसे? अम्मी इधर बैठे, संभाल ले खुद को। जाएं जाके दवाई लेके अम्मी की, डिप्रेशन वाली कल डॉक्टर ने लिख के दी थी, वहीं पे पड़ी हुई है। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। आप ही अम्मी को देखो ना, अम्मी अम्मी आप प्लीज ऐसा मत करें। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुझ पर ना सही तो अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले, वो हमें टूटने नहीं देगा, वो हमें इन लोगों के सामने हारने भी नहीं देगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने और अब्बू ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। अम्मिया अम्मिया आपकी बेटियां हैं ना, हाँ हम सब ठीक कर देंगे। बस 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 अम्मी बस बस सब ठीक हो जाएगा।